पुरुष का व्रत क्या होता है? अरे ये व्रत की महिमा तो अपरंपार है। हर पत्नी को अपने पति के लिए केवड़ा त्रिज का व्रत तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली, ये व्रत तीज के दिन होता है। ओके। पार्वती माँ ने शंकर भगवान के लिए ये व्रत रखा था। मंदिर में जाके शंकर भगवान की फूल और बेलपत्र से पूजा करते हैं ना, तो हमें पुण्य मिलता है। और इस दिन पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है और बालों में केवड़े का फूल लगाना होता है, इसीलिए तो कहते हैं इसे केवड़ा त्रिज का व्रत। मम्मी मम्मी, मैं भी ये व्रत कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, कुंवारी लड़कियाँ और शादीशुदा औरतें दोनों ये व्रत कर सकती है। और कुंवारी लड़कियों ने अगर ये व्रत किया ना, तो उसको अच्छा पति मिलता है। और हमारे इसमें इसको हरतालिका कहते हैं। काय, खुदाई जी ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? सु अपास रखो, ने अच्छा पति लेकर जाओ। अरे तुम्हें इस व्रत की महिमा पता नहीं है, जोड़िया ऊपर ही बनकर आती है, यहाँ नहीं। और अगर उल्टी सीधी बन भी जाए ना, तो पति को सीधा करने के लिए ये व्रत तो करना ही चाहिए। अच्छा, यानी पहले अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखो, फिर उस अच्छे पति को सुधारने के लिए पूरी जिंदगी भर व्रत रखो। कोमल दीदी, आपको तो ये व्रत रखना ही चाहिए, पति देव के लिए नहीं तो खुद के लिए, ताकि उपवास का उपवास हो जाए और सेहत की सेहत। मुझे कोई जरूरत नहीं है, पिछले हफ्ते मेरा 1 किलो वजन कम हुआ था। ओ हाँ, वो तो तुमने अपने नाखून काटे होंगे। वेरी फनी। दया भाभी, कोई ये व्रत रखे कि ना रखे, मैं अपने उनके शेयर बाजार में तेजी 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 बनी रहे, इसलिए आपका ये व्रत जरूर करूंगी। अरे हाँ रे हाँ, मैं भी अपने मैरिज ब्यूरो की सारी कवारी लड़कियों से आई व्रत करवाऊंगी। बस बस, ज्यादा मत रखवाना, नहीं तो अच्छे पति नहीं अच्छे खासे पति मिल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, ये बात तय रही कि कल हम सारी पत्नियां अपने पति देव के लिए केवड़ा तीज का व्रत रखेंगी। हाँ हाँ, ताकि उनके धंधे में बरकत हो, उनका काम अच्छा चले। कल हम पूरा दिन उपवास करेंगे और परसों गणेश चतुर्थी के दिन हमारे व्रत की पूर्णाहुति होगी। अच्छा अच्छा, सुनिए, अभी आप लोग यहाँ पर ही बैठिए, तब तक मैं त्र्यंबक महाराज के पास जाकर गणेश जी की पूजा का मुहूर्त निकलवा कर आती हूँ। मुहूर्त निकलवा, सुनिए, मैं तो भूल ही गई, गर्मा गर्म ढोकला तैयारी है, मैं वापस आऊँ ना, फिर मिलकर बैठ कर खाएंगे, तब तक आप व्रत की चर्चा चालू रखिए। मैं क्या कहती हूँ दया बहन, मैं भी निकलती हूँ, इनके आने का टाइम हो गया है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अरे कल उपवास है, आज बाबा के ढोकला खाएंगे। नटू काका, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे क्यों कैसा पता चले? मैं बोल रहा हूँ, ये गणेशोत्सव आ रहा है तो दुकान में हमको स्पेशल स्कीम रखे तो कैसा रहेगा? है? मुझसे कुछ कहा? नहीं, गलती हो गई, वो 10 का बंडल दीजिए। मेरे पास क्यों है? आप घर से लाने वाले थे, लाए नहीं? ओहो, लगता है भूल गया। मैं घर पे फोन करके दया को बोल देता हूँ, आप जाके लेकर आइए। ठीक है, आजकल पता नहीं कुछ याद नहीं रहता है। हेलो। हाँ दया जी, मैं दया नहीं बबीता बोल रही हूँ। बबीता मतलब बबीता जी? जी जेठा जी, वो दया भाभी जरा है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही फोन उठा लूं। आप मेरे घर में हैं? जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात होगी? मेरा फोन उठाने के लिए। आपने चाय पी? जी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो कॉफी पीजिए। मूड नहीं है। तो जलजीरा पीजिए। जलजीरा? जो मर्जी आए वो पीजिए। देखिए आप कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ गर्मा गर्म समोसा लेके। ओके, आप वहीं रहना मेरे घर पे। जेठा जी, आप फोन रखेंगे तो आएंगे ना? बिल्कुल बराबर बोला आपने। ठीक है, मैं अभी आया। ओके बाय। घर जाके अभी आया। अरे आप रुको, अभी इधर मैं जाके आता हूँ।